हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यूनिक लेक्चर के इस नए वीडियो पर। मेरा नाम है मोहित पांडे। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 हाइट एंड डिस्टेंस अर्थात ऊंचाई एवं दूरी को हल कर रहे थे। विद्यार्थियों, हम लोगों ने 10.2 के सभी प्रश्नों को सफलतापूर्वक हल कर लिया था। आज से हम लोग 10.3 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। विद्यार्थियों, आपसे विनम्र निवेदन है, यदि आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, लाइक भी किया करिए। आइए अब हम प्रश्नों को हल करते हैं। विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 1 दिया है 10.3 का। पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़कर इसके डायग्राम को बनाएंगे, फिर प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न कह रहा है कि पानी की सतह से 16 मीटर ऊपर जहाज की छत पर खड़े एक व्यक्ति का एक पहाड़ी के शीर्ष एवं पाद से उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री व 30 डिग्री है। पहाड़ी की ऊंचाई व उसकी जहाज से दूरी ज्ञात कीजिए। हम लोग को पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करना है व उसकी जहाज से दूरी भी कैलकुलेट करना है। आइए हल करते हैं। यहां हम लोग लिखेंगे हल। विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम इसका डायग्राम बनाएंगे। कह रहा है पानी की सतह से 16 मीटर ऊपर। मान लो पानी यहां है तो ये पानी की सतह से 16 मीटर ऊपर। मान लो पानी यहां था तो ये पानी की सतह से कितने मीटर ऊपर? 16 मीटर ऊपर। ये हाइट कितनी है? 16 मीटर। और ये जहाज है, पानी वाला जहाज होगा तो ये जहाज का छत होगा। ये जहाज का छत है। अब यहां पर कोई एक व्यक्ति खड़ा है और एक पहाड़ी को देख रहा है। मान लीजिए पहाड़ी यहां पर है, ये वो पहाड़ी है, हमने बना दिया ये वो पहाड़ी है। इन दोनों को आपस में मिला देंगे, इसको भी आपस में मिला, ताकि हमें पहाड़ी व जहाज के बीच की दूरी भी निकालना है। तो कह रहा है जब यहां से वो व्यक्ति पहाड़ी के शीर्ष को देखता है, ये पहाड़ी है, यहां पे आप लिख दीजिएगा पहाड़ी। तो जब यहां से वो व्यक्ति पहाड़ी के शीर्ष को देखता है तो उस समय क्या है? शीर्ष योम पाद का, पाद से उन्नयन कोण योम अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। मतलब यहां से जब पहाड़ी के शीर्ष को देखेगा तो उन्नयन कोण होगा, वो उन्नयन कोण कितना दिया है? 60 डिग्री। और इसी बिंदु से जब वो पहाड़ी का ये पाद होगा, ये शीर्ष होगा, ये पाद होगा, इसी बिंदु से जब ये पहाड़ी के पाद को देखता है तो उस समय अवनमन कोण, चूंकि नीचे देखेगा तो अवनमन कोण बनेगा, तो ये अवनमन कोण कितना है? 30 डिग्री। तो यहां पे आपको एक जेड बनता दिख रहा होगा, तो एकांतर कोण से अगर ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अब आप मान लीजिए पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो मान लेंगे कि माना पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? एच मीटर। ये पहाड़ी की ऊंचाई है, ये जहाज पानी के सतह से जहाज की हाइट 16 मीटर है, तो यहां भी कितनी हो जाएगी? 16। अब बेसिकली विद्यार्थियों, ये पहाड़ी, ये जहाज की हाइट नहीं है पानी की सतह से, पर यहां पर व्यक्ति खड़ा है 16 मीटर ऊपर। तो अगर पूरा टोटल एच है और ये 16 है तो ये इतनी हाइट कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी एच माइनस 16 मीटर। और ये जहाज है, ये क्या है? जहाज। तो हमको जहाज से पहाड़ी के बीच की दूरी भी निकालना है, तो मान लेंगे कि जहाज से पहाड़ी, पानी के मतलब पहाड़ी के बीच की दूरी कितनी है? एक्स मीटर। तो वो एक्स है तो ये वाली दूरी भी कितनी हो जाएगी? एक्स मीटर। ठीक है विद्यार्थियों, आशा करते हैं आप डायग्राम बनाना जान गए होंगे। इसको हम कुछ पॉइंट मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी और इसको ई मान लेते हैं। यहां भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहां भी आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है। आइए अब जो माने हैं उसको लिख लेते हैं। यहां लिखेंगे माना, माना पहाड़ी की ऊंचाई बराबर
एच मीटर, पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है एच मीटर, तथा पहाड़ी, तथा पहाड़ी व जहाज के बीच की दूरी बराबर है x मीटर। ठीक है विद्यार्थी, इसमें आपको दो त्रिभुज बना दिख रहा है समकोण, एक ए बी सी और एक आपको दिख रहा है बी ई डी। सर्वप्रथम हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी से टैन लगेगा क्योंकि लंब और आधार में रिलेशन है, तो हो जाएगा टैन 60 डिग्री, लंब आपका होगा एच माइनस 16, आधार होगा आपका x। टैन 60 का मान होता है अंडर रूट 3, ये हो जाएगा एच माइनस 16 बटे x, x को इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा x अंडर रूट 3 बराबर एच माइनस 16, इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक है विद्यार्थियों, एक त्रिभुज आपको दिख रहा है बी ई डी, लिखेंगे त्रिभुज बी ई डी से, यहां भी टैन लगेगा आपका, तो टैन थीटा की जगह 30 डिग्री, लंब आपका 16 है, आधार कितना है x, टैन 30 का मान होता है 1 बटे अंडर रूट 3, ये हो जाएगा 16 बटे x, x इधर आपका आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो यहां से जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो हो जाएगा x बराबर 16 अंडर रूट 3 अर्थात 3, ये आपका हो जाएगा समीकरण सेकंड। विद्यार्थियों अब हम समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करेंगे, या समीकरण ऐसे रख सकते हैं कि आप समीकरण सेकंड से x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से x की वैल्यू को यहां रख देंगे, x की वैल्यू है 16 अंडर रूट 3, यहां x की जगह लिख देंगे 16 अंडर रूट 3, आप देख पा रहे हो एक अंडर रूट ऑलरेडी लिखा है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 बराबर h माइनस 16, ये गुणा होगा तो 16 रूट 3 रूट 3 का हो जाएगा 3 बराबर h माइनस 16, 16 ते 48 हो जाएगा h माइनस 16। अब ध्यान दीजिए ये 16 इधर माइनस में लिखा है, बराबर किधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो h बराबर आपका हो जाएगा 48 प्लस 16, इसे आप जोड़ोगे तो 8 और 6 14 के 4 हाथ आया 1 4 एक 5 और एक 6, ये हो जाएगा आपका 64 मीटर। ठीक है विद्यार्थियों, तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी आ जाएगी 64 मीटर। अभी हमको इसमें फाइंड आउट करना है जहाज व पहाड़ी के बीच की दूरी, तो समीकरण सेकंड में x है यहां पे रख देंगे आ जाएगा, लिखेंगे समीकरण सेकंड से, तो x की वैल्यू हमारे पास कितना है 16 अंडर रूट 3, x बराबर 16, अंडर रूट 3 का मान हमको पता ही कितना होता है 1.732, ये आपके प्रश्न में दे भी रखा है यहां पर और इसका वैल्यू आपको पता भी होना चाहिए। अब विद्यार्थियों यदि हम 16 को 1.732 से गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 27.712 मीटर। विद्यार्थियों ये वीडियो बड़ा ना हो इस पर्पज से यहाँ पर मैंने ऑलरेडी गुणा करके रखा है, आप गुणा करोगे तो यही आएगा, यहाँ पे हम राउंड ऑफ लगा देंगे तो ये दो यहाँ पर 5 से छोटा है सो इसको हम नहीं लिखेंगे, दशमलव 27.71 मीटर हो जाएगा, ये आपकी पहाड़ी व जहाज व पहाड़ी के बीच की दूरी आ जाएगी और ये जहाज की ऊंचाई आ जाएगी,
ये विद्यार्थियों आपका इस प्रश्न का उत्तर हो गया। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब हम प्रश्न नंबर दो हल करते हैं। प्रश्न नंबर दो आपका कह रहा है कि एक प्रकाश स्तंभ के एक ओर दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री व 30 डिग्री है। यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 200 मीटर है तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई याद कीजिए। आइए सर्वप्रथम प्रश्न को पढ़कर इसका डायग्राम बनाते हैं, फिर प्रश्न को हल करते हैं। विद्यार्थियों, त्रिकोणमिति के प्रश्न या हाइट एंड डिस्टेंस अर्थात ऊंचाई एवं दूरी के प्रश्न लगाना बहुत ही आसान होता है, परंतु आपको चित्र बनाना आना चाहिए। आइए हल करते हैं। कह रहे एक प्रकाश स्तंभ के ओर दो जहाज है। सर्वप्रथम हम एक प्रकाश स्तंभ बनाएंगे। यह हमने बनाया, एक प्रकाश स्तंभ है। प्रकाश स्तंभ के एक ओर मतलब इधर ही, इधर या उधर आप किसी टाइप से बना सकते हो, जग स्पेस नहीं है सो हम इधर ही बना रहे हैं। तो एक ओर मतलब इस साइड में कह रहा है दो जहाजों के अवनमन कोण 45 डिग्री व 30 डिग्री है। यहां पर मान लीजिए एक जहाज है और एक जहाज मान लीजिए यहां पर, एक जहाज यहां पर है। तो जब यहां से, जब इस प्रकाश स्तंभ से देखा जाता है इस वाले जहाज को तो अवनमन कोण 30 डिग्री है, इस वाले जहाज को देखा जाता है, जब इस वाले जहाज को देखा जाता है तो अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री है। आइए बनाते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है विद्यार्थियों, ये आपको पहले टॉपिक में बताया जा चुका है। अवनमन कोण होता है जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं। तो ये वाला कितना है, 45 डिग्री, और ये वाला कितना है, 30 डिग्री। तो एकांतर कोण से ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और ये वाला कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है विद्यार्थियों। और दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 200 मीटर। हमें याद करना है प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, तो मान लेंगे प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, h मीटर। इतनी दूरी हमको नहीं पता है, अननोन है, तो इसको हम x मान लेंगे। टोटल कितना हो जाएगा, 200 प्लस x। इनको हम कुछ नाम दे देंगे, इस पॉइंट को a, इसको b, इसको c और इसको d दे देंगे। ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, इसमें आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक a b d और एक a c d दिख रहा है। सर्वप्रथम यहाँ मान लेंगे कि माना माना प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई बराबर कितना है, h मीटर। और हमने ये सी डी भी मान लिया है, तथा सी डी बराबर हमने कितना माना है, x मीटर। इसमें दो त्रिभुज हैं, तब पहला त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी से टैन लगेगा विद्यार्थियों, लंब और आधार रिलेशन है, तो टैन थीटा की जगह 30 डिग्री, लंब आपका एच है, आधार आपका हो जाएगा 200 प्लस एक्स। टोटल कितना है, 200 प्लस एक्स। इसका मान होता है एक बटा, रोको चुटकी बजा दे, हम जान। तो विद्यार्थियों टैन 30 का मान हो जाएगा एक बटा अंडर रूट 3, और ये हो जाएगा h बटा 200 प्लस x। इधर पक्षांतर कर देंगे, ये इधर गुणा हो जाएगा, इधर गुणा होगा तो 200 प्लस x, एकन्नम 200 प्लस x, इधर गुणा होगा तो हो जाएगा h अंडर रूट 3। इसको हम समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। ठीक है विद्यार्थी, एक आपको एक त्रिभुज और देख रहा है, a c d लिखेंगे। अब त्रिभुज ए सी डी से यहाँ भी टैन लगेगा, टैन 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब लंब एच है, आधार एक्स है।
45 का मान होता है एक, तो ये आपका हो जाएगा एक बटे एच बटे एक्स, इधर गुणा होगा तो एक्स बराबर हो जाएगा एच, ये आपका हो जाएगा समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड। लिखेंगे अब समीकरण फर्स्ट हुआ, सेकंड से एक्स के मान को यहां रख देंगे तो यह जाएगा 200, एक्स की जगह कितना लिखेंगे एच, तो 200 प्लस एच बराबर एच अंडर रूट 3, इस एच को इधर भेज देंगे तो यह जाएगा 200 बराबर एच अंडर रूट 3 माइनस का, एच प्लस का था उधर गया तो माइनस का हो जाएगा, 200 इसमें से एच कॉमन है तो अंडर रूट 3 माइनस 1, तो एच बराबर हो जाएगा 200 बटे अंडर रूट 3 माइनस 1। इसका क्या कर देंगे विद्यार्थियों, परिमेयीकरण लिख देंगे, परिमेयीकरण करने पर, तो परिमेयीकरण करेंगे तो h बराबर हो जाएगा 200 बटे रूट 3 माइनस 1, इधर होगा रूट 3 प्लस 1 बटे रूट 3 प्लस 1, यहां पर हल कर देते हैं तो h बराबर हो जाएगा 200, यहां रूट 3 का मान रख देंगे होता है 1.732 प्लस 1, यहां पर ये 1 है बटे एक ब्रैकेट में a माइनस बी एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो h बराबर हो जाएगा 200, ये जुट जाएगा तो हो जाएगा 2.732 रूट 3 कवर करोगे 3 ये 1 हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 200 2.732, एक घट जाएगा 3 में से 1 गया 2 बचेगा, 2 से काट दोगे 2 एकन्नम 2 100 में जाएगा, तो h बराबर आपका हो जाएगा 100 और ये 2.732। जब आप इनका गुणा करोगे तो दशमलव कितने अंक इधर, 2 अंक इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 2.732 मीटर, ये प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई आ जाएगी। विद्यार्थियों आशा करते हैं दोनों प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विद्यार्थियों आशा करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको ये दोनों प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। विद्यार्थियों आपसे निवेदन है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।